राज्याला लगत असलेल्या परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन अकस्मात कोणीतरी मानसिक विकृतीच्या लोकांनी पाडून टाकला। या 2021 मध्ये 14 एप्रिलला त्या भवनाचं परत पुनर्निर्माण करून त्याचं उद्घाटन होतं, परंतु जुलै महिन्यामध्ये हा भवन पाडून टाकल्याच्या बातम्या आल्या। जनतेच्या भावना सांगू आपण समजू शकता। परमपूज्य बाबासाहेबांना मानणाऱ्या ह्या सर्व जनतेला आक्रोश झाले। त्यांनी विचार केला की होणारा वारंवार होणारा हा अन्याय अत्याचार कुठंतरी थांबलं पाहिजे। आमच्या फाटाफुटीचं आमच्या एकजुटीचं आम्ही एकजूट नसल्यामुळं त्याचा फायदा आमचे विरोधक घेतात आणि हा भवन उद्ध्वस्त करतात। माननीय पालकमंत्र्यांना वारंवार विनंती करून या भवनासंदर्भात विनंती करून सुद्धा कानाडोळा करण्यात येते। माननीय महापौर सुद्धा कानाडोळा करतात, मग न्याय मागायचं कसं? म्हणून आंबेडकरी जनता संयुक्तपणे हाती निळा झेंडा घेऊन, अशोक चक्र असलेला निळा झेंडा घेऊन आज संविधान चौकात एकच मागणी आहे, अन्याय अत्याचार थांबवण्यात यावा। बाबासाहेबांच्या स्मारकाला अपमानित आणि कलंकित करण्याचा जो दावा करण्यात आला, जो डाव करण्यात आला, त्यांच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे। बाबासाहेबांचा हा भवन आहे त्याच ठिकाणी मोठ्या डौलानं सौंदर्य करण्यासहित पुनर्निर्माण झालंच पाहिजे। आणि आंबेडकर भवनाच्या संदर्भात आणि आंबेडकरी जनतेच्या संदर्भात, तळागाळाच्या जनतेच्या संदर्भात जो अन्याय अत्याचार सुरू आहे तो अन्याय अत्याचार सुद्धा थांबलं पाहिजे हा इशारा समस्त आंबेडकरी जनता या ठिकाणी निळा झेंडा घेऊन रस्त्यावर उतरलेली आहे। सरकारला या माध्यमातून इशारा आहे की आमचा उद्रेक होऊ देऊ नका। आमचा उद्रेक झाला तर सर्वस्वी जबाबदारी या सरकारतील राहील हा इशारा सुद्धा या माध्यमातून आंबेडकरी जनता देत आहे। आणि सरकारने त्वरित यात हस्तक्षेप करून चौकशी करून दोषींवर कारवाई करून हा भवन पुनर्निर्माण करावा अशी आंबेडकरी जनतेची भावना आहे। आणि भावनेचे कदर ही सरकार करेल अशी अपेक्षा सुद्धा आहे। मी बाळू घरडे रिपब्लिकन पक्षाचा एक कार्यकर्ता आप जो अभी आंदोलन कर रहे हैं उसके पीछे का कारण क्या है, क्या मांग है आपको, क्या हुआ है? डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का भवन 1956 के बाद जो महाराष्ट्र शासन ने मनपा ने बाबा साहब के दीक्षा के सम्मार्थ जो भवन का निर्माण किया था, उस भवन को कुछ जातीयवादी लोगों ने मिलकर साजिश रचकर अपने आर्थिक स्वार्थ के लिए, पैसे कमाने के लिए वो जगह को नास्ताबूत कर दिया। कारपोरेशन वालों का कहना है कि हमको मालूम नहीं, पर्यटन विभाग बोलता हमको मालूम नहीं, तो एकाएक ये बाबा साहब के नाम का भवन कैसे गिरा? कुछ लोगों ने बताया कि यह झाड़ गिरने से गिरा, इस बात पे हमारा एक रुपए का भी विश्वास नहीं। एक झाड़ से इतना बड़ा भवन गिर ही न सकता, ये बाबा साहब आम्बेडकर की जनता के अपमान है, बाबा साहब का अपमान है। और बाबा साहब का अपमान करने वालों में दलित जनता कभी सहन नहीं करेगी। हम सब लोग रास्ते पे आकर आंदोलन करेंगे और भवन का निर्माण वही करना होगा और वो भी उसकी संधिकरण वही पे करना पड़ेगा। और जो भी लोगों ने ये भवन को गिराने की साजिश रखी, जिन लोगों ने इन भवन को गिराने का काम किया, उनपे अट्रॉसिटी लगना चाहिए, उनके ऊपर FIR करना चाहिए और इसकी इंक्वायरी महाराष्ट्र शासन ने करना चाहिए। ये जिम्मेदारी ये महाराष्ट्र शासन की है और जो भी दोषी होंगे उन पे कार्रवाई होना चाहिए। ये बाबा साहब की जनता, बाबा साहब की जनता अब चुप रहने वाली नहीं। आज का जो मोर्चा हमारा 30 तारीख का, यह मोर्चा पूरे रिपब्लिकन पक्ष के लोग,
पूरे सामाजिक संगठन के लोग, पूरे विश्व विहार के लोग, हम सब मिलकर इस बात को छेड़ने वाले हैं, इस बात को लेकर एक जगह एकत्रित हुए हैं। और जब तक वो भवन का निर्माण नहीं होता तब तक हम लोग चुप रहने वाले नहीं, चाहे इसके लिए हमारा बलिदान भी गया तो भी परवाह नहीं। वैसे भी बाबा साहब के नाम के लिए हमको लड़ना ही पड़ता है। तो अभी आप क्या चाहते हो कि क्या होना चाहिए इस भवन को? जनता का कहना है, जनता का कहना है कि जिन लोगों ने इस भवन को गिराया उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, उसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए, एट्रोसिटी एक्ट लगना चाहिए। जनता का कहना है, जनता ने अम्बेडकर जनता का कहना है। दूसरी बात, जो भवन आपने गिराया वो भवन वहीं पे उसी जगह पे भव्य प्रमाण में होना चाहिए, उसकी देखरेख अच्छी होना चाहिए, उसका सौंदर्यकरण होना चाहिए। और भविष्य में इस तरह के कारनामे करने का छोड़ देना चाहिए उन लोगों ने। मेरा नाम बाड़ू कोसमकर है, बाड़ू मामा कोसमकर इंदौरा। मैं वैसे भी फेमस आदमी हूँ और बाबा साहब के